नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं निहा, द मायास हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, क्या आप भी हैं मधुमेह की समस्या से परेशान, डायबिटीज से आराम पाना चाहते हैं, निजात पाना चाहते हैं, काफ़ी सारी मेडिसिन या दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन आपको डायबिटीज में कुछ खास अंतर नहीं मिल पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, टेंस हैं कि हम किस तरीके से अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, मधुमेह से आराम पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं, तो आज इस वीडियो में आपको दो ऐसे घरेलू नुस्खे, ऐसे घरेलू उपाय, ऐसे चमत्कारी रामबाण इलाज बताऊंगी जो कि इनमें से अगर आप किसी एक को भी अपना लेंगे तो आपकी जो डायबिटीज की समस्या है, मधुमेह की समस्या है, वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। चुटकियों में आपको इससे काफ़ी अंतर मिल सकता है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें जिससे जो भी मैं अगली वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के ऊपर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, यानी कि कौन कौन से ऐसे घरेलू उपाय अपना सकते हैं, कौन कौन से नुस्खे अपना सकते हैं जो कि अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद कर सके। कौन कौन से ऐसे उपाय हैं, सो ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है, अगर आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर होता है त्रफला चूर्ण। त्रफला चूर्ण मार्केट में इजीली तरीके से मिल जाएगा, किसी भी शॉप से आप परचेज कर सकते हैं। त्रफला चूर्ण रात के समय त्रफला चूर्ण को अगर आप शहद के साथ लेते हैं, शहद के साथ सेवन करेंगे तो आपका जो मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज है, उससे आपको काफ़ी हद तक अंतर मिलेगा, काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी आपको फायदा मिलेगा। अगर आप इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं, कोई डाउट हो रहा है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप अपने एक बार डॉक्टर या वैद्य से भी कंसल्ट कर सकते हैं। एक और आपको उपाय बताती हूँ, जामुन। जामुन आपने सुना ही है, जामुन डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। उसी तरीके से आपको जामुन की गुठली या फिर इसकी छाल का चूर्ण, इसका अगर आप दिन में 2 बार सेवन करना है, लेकिन 6 ग्राम से ज़्यादा आपको सेवन नहीं करना है, तो आपकी डायबिटीज काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। इन दोनों में से कोई भी उपाय, कोई एक उपाय अगर आप करें तो आपको काफ़ी अंतर मिलेगा, मधुमेह की समस्या से राहत मिलेगी। आपको किसी भी डॉक्टर या वैद्य के पास जाने की भी जरूरत या आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, उनसे भी आपको निजात मिलेगा, राहत मिलेगी, दवाइयाँ भी आपको लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप अपने वैद्य या डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। डायबिटीज के लिए इन दोनों में से कोई भी उपायों को आप अपना सकते हैं, कोई भी उपाय आप कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई औषधि के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे जो भी मैं अगली वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आप कोई और प्रोडक्ट, कोई और औषधि या फिर किसी और टॉपिक के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, कोई और आपको रोग है, कोई भी समस्या है, या फिर आपके घर में किसी भी सदस्य को कोई परेशानी हो रही है, समस्या हो रही है, तो किसी भी रोग से पीड़ित हो रहा है आपके घर में कोई भी सदस्य, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपके लिए टाइम अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।